हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक मेट्स। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ उमेर। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जीरो व्यूज और जीरो सब्सक्राइबर से कैसे चैनल ग्रो करना है। यानी यूट्यूब चैनल आप जब स्टार्ट ही कर रहे हो तो कैसे ग्रो कर रहे हैं उस चैनल को, तो आज मैं बताने वाला हूँ उसके 5 सीक्रेट टिप्स। तो यार, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो। दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप अगर कोई सा भी चैनल चलाने वाले हैं, जैसे अगर कॉमेडी वाला चैनल चलाना चाह रहे हो या एनिमेशन वाली वीडियोस बनाना चाह रहे हो, फनी जैसे एंग्री प्राश बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जब हम यूट्यूब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, जब हमारे जीरो व्यूज जीरो सब्सक्राइबर हैं, तो हमें कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं है, तो हमारा कंटेंट कोई नहीं पहचानता। अगर मेरे ही देख लें तो, अगर आप में से कुछ ही व्यूअर्स होंगे जो मुझे जानते होंगे, कुछ तो जानते भी नहीं होंगे। जैसे ही अगर कोई नए क्रिएटर की वीडियो खोल के देखेगा तो ऐसा ही कहेगा, अरे ये कौन कौन आ जाता है यार, कहाँ से सूरत, कैसे सूरत लेके लोग आ जाते हैं। तो यही रिएक्शन होता है पहला। अगर आप कोई नए क्रिएटर को देखोगे तो दिमाग में ऐसी थॉट्स निकलती हैं ज्यादातर लोगों के, सबके नहीं, कुछ अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। तो भैया, यूट्यूब की वीडियो बनाने में प्लानिंग भी बहुत लगती है यार। पहले स्क्रिप्ट लिखो उसकी फाइनल, फिर उसको शूट करो, एडिट करो यार, पब्लिश करने का भी अलग ही टेंशन होती है। उसके टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, उसमें अपने सोशल हैंडल्स डालो, फिर टैग्स डालो, फिर कार्ड्स अलग से डालो, फिर एंड स्क्रीन अलग से डालो। तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और जब एक नया क्रिएटर इतने मेहनत करके वीडियो बनाकर अपलोड करता है और पब्लिश करता है, तो देखा व्यूज़ ही नहीं आए, जीरो व्यूज़ है, एक दो व्यूज़ है। रिफ्रेश कर रहे हैं उम्मीद में कि यार व्यूज़ आ जाएँ, लेकिन नहीं आते। तो यार, अगर हम अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं वीडियोज़, वो भी सारे सीन देकर वो वीडियो नहीं देखते। कुछ दोस्त होते हैं जो देख लेते हैं और तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम कहाँ सही हो। तो हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ बात करें बड़े क्रिएटर्स की, उनका ट्रस्ट इतना होता है लोगों पर कि यार वो जो भी वीडियो डाल देंगे वो सामने वाला देखता है और व्यूज़ भी आते हैं। तो अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स हों तो यार व्यूज़ लाना मुश्किल नहीं होता, उधर से चैनल और ज़्यादा तेज़ ग्रो होता है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझाया कि क्या थॉट्स होती हैं एक नए क्रिएटर के दिमाग में। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सीक्रेट टिप्स जिनसे आप अपना चैनल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वीडियो होगी क्योंकि यार ये ट्रिक्स बहुत काम करेंगी, मेरे लिए भी काम कर रहा था इन्होंने जब मैंने शुरू में चैनल स्टार्ट किया था। तो इसको यार एंड तक देखते रहना वीडियो को। तो सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो है यार अट्रैक्टिव टाइटल्स यूज़ करना और यार ऑडियंस को बोर नहीं करना। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ यार। अब अपने वीडियो का टाइटल बोरिंग मत रखो कि यार व्हाट इज कुछ, तुम व्हाट इज करके कुछ नाम रख रहा हो कि कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हो, तो तुम्हें एक अट्रैक्टिव टाइटल देना है। अट्रैक्टिव टाइटल देने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं बताता हूँ। अगर आप बोरिंग टाइटल दोगे तो यार लोग क्लास में नहीं पढ़ते, कॉलेज में जाके नहीं पढ़ते, तो तुम क्या सोच रहे हो यूट्यूब पर आएंगे, तुम्हारी वीडियो देख के, कुछ बोरिंग टाइटल देख के वीडियो खोलेंगे भी नहीं पहली बात, और अगर देखेंगे तो वो और ही बोर हो जाएंगे। तो लेक्चर नहीं बनाना वीडियो को। सबसे पहला मिशन हमारा ये है कि यार सामने वाले से वीडियो को ओपन करवाना है। ओपन करने के बाद बात आती है कि यार वीडियो के अंदर क्या दे रहे हो आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ छः तरीके जिनसे आप अपने अट्रैक्टिव टाइटल दे सकते हैं। पहला आता है हाउ टू। हाउ टू से तुम अगर देखो, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, इससे समझ में आता है कि यार सामने वाले को आप कुछ सिखा रहे हो। अगर आप कहीं वीडियो पे ये पढ़ते हो हाउ टू अर्न $1,000 पर मंथ, तो यार आप सोचते हो कि यार कैसे किया होगा इसने, सामने वाला कुछ सिखा रहा है कि कैसे कमा सकते हैं। हाउ टू अगर बेसिक की वीडियो देखो तुम, जो आपको बताया कि आईफोन कैसे सुखाना है, हाउ टू मेक अ चिकन कड़ी और ये सब, उसकी वीडियो देख के खोल लोगे कि यार कैसे करना है, कैसे करना है। और अगर आप जब वीडियो देखोगे तो वो कंटेंट ही बहुत शानदार होता है, बहुत पसंद आएगा। तो आप इस तरह की वीडियोज़ होंगी इंटरनेट पर, आप जाकर ज़रूर देखना, बहुत ही इपिक कंटेंट है। तो आप समझ में आएगा कि यार किस तरह टाइटल्स वर्क करते हैं। अब दूसरी तरह किस तरह तुम स्टार्ट कर सकते हो एक अट्रैक्टिव टाइटल, वो होगा हाउ आई, हाउ आई अर्नड $2,000 फ्रॉम अफिलियट मार्केटिंग, हाउ आई अर्नड $10,000 फ्रॉम माई यूट्यूब। तो इस तरह आप सामने वाले को क्या बताते हो कि यार कि सामने वाला बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो ये थॉट क्रॉस होती है जो देख रहा होता है। तो सामने वाला खोल के देखेगा कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से वीडियो का स्टार्ट करना ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप ज़रूर इसका यूज़ करिएगा, ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है कि यार सामने वाले ने कोई अकम्प्लिशमेंट करी है तो यार मैं भी कर सकता हूँ, वो भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। अब तीसरा मैं बताता हूँ, वो होता है आई बैट यू डोंट नो दिस, आई बैट यू। तो आपको सामने वाले को बैट करना है, इससे क्या होता है सामने वाले के अंदर भी थोड़ी ईगो वीगो होती है, एटीट्यूड होता है, तो सामने वाला भी तुम्हें चैलेंज करेगा कि यार मुझे क्यों नहीं पता क्या बैट दे रहा है ये, मैं भी जाके देखूंगा, तो सामने वाला क्लिक कर देता है। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप कुछ वायरल वीडियोज़ देखोगे तो उसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करी है। तो आप ज़रूर इसको भी
आप अपने वीडियोस में यूज़ करिएगा इस अट्रैक्टिव टाइटल को, इस तरह से शुरू करिएगा अपने किसी टाइटल को, और आप धीरे धीरे फ़र्क देखेंगे कि यार बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप ऐसे टाइटल यूज़ करते हैं। अगला जो टाइटल अट्रैक्टिव टाइटल वो होता है क्या, सीक्रेट्स, सीक्रेट्स बताना। तो सीक्रेट्स ऑफ दिस, अगर तुम यही वीडियो देख लो तो इसमें यार मैंने 5 सीक्रेट टिप्स बताई हैं जो आपको YouTube में बहुत ज़्यादा कामयाबी देंगी, ग्रोथ होगी 0 व्यूज़ और 0 सब्सक्राइबर से। तो सीक्रेट से क्या होता है यार, इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। क्यूरियस मतलब यार उसके अंदर एक बहुत जानने की भावनाएं आ जाती हैं कि यार मुझे ये जानना ही है और कुछ भी हो जाए मैं जान के ही रहूँगा। तो आप सीक्रेट्स ऑफ कुछ यूज़ करके भी टाइटल दे सकते हो, और अगर आप नंबर ऐड कर दो कि 5 सीक्रेट थिंग्स टू नो, 4 सीक्रेट थिंग्स टू नो अबाउट यूट्यूब, तो इस तरह के टाइटल यूज़ करोगे तो ज़रूर लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे। चौथा तरीका जिससे आप अपने वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो वो होता है वार्निंग टाइटल देना। वार्निंग टाइटल से मतलब यार चेतावनी देना कि यार डोंट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल अनलेस यू नो दिस। इसका मतलब क्या, यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत कर देना जब तक ये नहीं पता हो, तो सामने वाला वैसे ही डर जाएगा, अरे क्या क्या स्टार्ट मत कर देना यूट्यूब को, मतलब क्या जानने से पहले। तो इस तरह से ये वार्निंग वाले टाइटल बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। कुछ बड़ी वायरल वीडियोज़ के, ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, वायरल वीडियोज़ हैं उनके टाइटल्स की शुरुआत थी, तो आप ज़रूर वार्निंग टाइटल यूज़ करिएगा। अब बात आती है कि यार ऐसे टाइटल यूज़ करने से हमारी वीडियो कैसे रैंक हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी चीज़ यार, जब तुम वीडियो डालोगे यूट्यूब तुम्हारी वीडियो क्या करेगा, लोगों के सजेशन भेजेगा। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम ये होती है कि यार तुम्हारे, ऐसा नहीं कि तुम्हारी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो यूट्यूब पे चली गई सर्वर पे तो यूट्यूब खुद लोगों के सजेशन भेजेगा। जब तुम यूट्यूब ओपन करते हो तो नए क्रिएटर्स आते हैं बिना सब्सक्राइब करे, तुमने जिनको सब्सक्राइब नहीं करा उनकी वीडियोस भी आती हैं। क्यों आती हैं, यूट्यूब सजेशन में भेज रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि यार देखो अगर तुम्हारा टाइटल अट्रैक्टिव होगा, तुम नए क्रिएटर भी हो, तो सामने वाले ने वीडियो पे क्लिक तो करा, यही सबसे बड़ी बात है कि तुमने क्लिक करवा दिया। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी वीडियो में क्या है, तो तुम्हें वीडियो इतनी अच्छी बनाना होगी कि यार अगर सामने वाला क्लिक कर दे तो वो एंड तक ही देखे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमें किस तरह के टाइटल्स यूज़ नहीं करना, अब बोरिंग टाइटल, अगर हम कंप्यूटर्स बना रहे हैं व्हाट इज सीपीयू, भाई कंप्यूटर क्लास थोड़ी ना चल रही, व्हाट इज सीपीयू लोगों को प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो तुम्हें देखना है। और ऐसे टाइटल अवॉइड करने हैं आउटकम ड्रिवन टाइटल, जैसे अब तुम नए इंसान आए हो, अब कह रहा हो माई ट्रिप टू बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, तो तुम्हें ये नहीं बताना, तुम्हें अगर नए क्रिएटर हो तो शुरू में तुम्हें ये बताना है कि जो लोग जानना चाहते हैं, लोग तुम्हें तो जानते नहीं है कि तुम उनको बता रहे हो कि तुम्हें कैसा फील हुआ क्या नहीं हुआ। वो व्लॉगिंग वाला अलग है, जो तुम अलग स्टाइल लिए व्लॉग्स बनाओगे तो जब वो काम आएगा, लेकिन सब व्लॉगिंग नहीं करेंगे, तो वो एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है मैं जो बात कर रहा हूँ उससे। तो अगर हम देखें जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो डाल सकते हैं, अगर तुम्हारे 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो लोग खुद एक्साइटेड होंगे यार कि यार सामने वाला क्या करेगा जब यूरोप जाएगा। जैसे अगर टेक्निकल गुरुजी की तुम उनका चैनल देखो व्लॉग वाला, गौरव चौधरी जो उनका चैनल है, तो उस पर ही अगर आप देखोगे ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू लास वेगास और ये सब, तो एक्साइटमेंट पैदा होती है कि यार सामने वाला क्या करेगा, वहाँ पर कुछ नया करेगा। तो जब छोटे क्रिएटर्स हो तो तुम्हें याद रखना है कि हमें ऑडियंस को वो देना है जो उनको चाहिए, तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है हमें। तो दोस्तों दूसरी सीक्रेट टिप जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि यार तुम्हें अपनी ऑडियंस को रोकना है अपने चैनल ट्रेलर से। तो यार एक बहुत स्टूपिड बात लग रही होगी यार, चैनल ट्रेलर कैसे बनाएं, चैनल ट्रेलर क्या होता है, चैनल ट्रेलर आपकी बताएगा कि आपका चैनल करता क्या है, आपके चैनल पे सामने वाले को मिलेगा क्या। अब चैनल ट्रेलर में तुम्हें ये नहीं डालना कि यार भाई सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल को, मुझे चैनल ग्रो करना है, ये नहीं करना। आपको चैनल ट्रेलर में क्या बताना है, आपको अपने बारे में बताना है, आप क्या करते हो, आपको चैनल पे क्या मिलेगा, और आपके ही चैनल पे क्यों लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, आप ऐसा क्या अलग दे रहे हैं, उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। दोस्तों आज अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो तो पूरी ऑडियंस आपके पास आ जाएगी, तो आपकी वीडियो में क्या खासियत है जो दूसरों में नहीं है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें स्टैंड आउट पॉइंट आपको बताना है कि आप क्राउड से अलग कैसे हो, कितने सारे टेक यूट्यूबर्स हैं तो आप कैसे अलग उनसे। तो ट्रेलर में आपको ऐसी चीज़ बताना है कि यार तो सामने वाला 2 मिनट में आपके ट्रेलर में जान ले कि यार क्या है इस चैनल के बारे में, क्या करता है चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर ही देखो तो मेरे चैनल का भी ट्रेलर है जो मैंने पहले डाला था, शुरू में ही मैंने डाला था ये ट्रेलर, तो वर्क करा था, लोगों ने सब्सक्राइब भी किया था और व्यूज़ भी आए थे इसके ऊपर। और अगर आप बड़ी मूवीज़ के भी देख लो, अवेंजर्स का ट्रेलर आता है जब इन्फिनिटी वॉर हुई या एंड गेम हुआ, या अवतार का तो 10 साल पहले आया था, तो यार लोगों का इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है यार, मतलब पूरे ऑडियंस में हाइप बन जाती है, क्योंकि यार वो मेन मेन सीन्स दिखा देते हैं तुम्हें और लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। इस तरह ही रिकॉर्ड ब्रेक मूवीज बन जाती हैं या बिलियन डॉलर्स कमाती हैं वो। तो हमारे यूट्यूब चैनल का जो ट्रेलर होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ताकि यार लोग इंटरेस्ट लें उसमें चैनल में और सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो दूसरा पॉइंट ये था जो आपको दिमाग में रखना है, और चैनल
ट्रेलर बनाने के लिए भी आप बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए चैनल ट्रेलर बनाने पर तो आप कमेंट ज़रूर कर दिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँ और आपको दूँ, अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों आपको ट्रेलर में ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बताना है जो मैं भूल गया था, आपके ऑडियंस को बताना है कि आपको वीडियो कब मिलेगी। आप डेली दो वीडियोज़ अपलोड करोगे जैसे टेक्निकल गुरु जी करते हैं या भुवन बाम जो हैं उनकी तरह दो वीडियोज़ अपलोड करोगे मंथ में, और इससे क्या होगा आपके ऑडियंस को पता रहेगा वीडियो कब आ रही है। अगर आप बड़े क्रिएटर्स को देखो जो अमित भडाना है और भुवन बाम है, आशीष चंचलानी, हर्ष बने वाले, तो वो हाइप बनाते हैं अपनी वीडियो की। आशीष चंचलानी कहेंगे कल आ रही है 2 बजे वीडियो अपनी, कितने बजे, 2 बजे, जादू कब आ रही है वीडियो, 2 बजे, तो इस तरह से हाइप बनाते हैं, आज रात को एपिसोड आ रहा है, ऐसे भुवन बाम कहते हैं। तो इस तरह हाइप बनती है ऑडियंस में, तो इससे बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। तो तीसरी सीक्रेट ट्रिक क्या है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए 0 व्यूज और 0 सब्सक्राइबर से, तो आपको करना क्या है, अपने फैन से ज़्यादा मोहब्बत करना है, ना कि आप कंटेंट से। आपको वो कंटेंट देना है जो आपकी ऑडियंस चाहती है। आपको ये नहीं करना है कि यार आप अपने कंटेंट से ही प्यार करते हो, जो दिल चाह रहा है बनाए जा रहे हो, नहीं, आपको क्या करना है आपके ऑडियंस के हिसाब से आपको वीडियोज़ बनाना है। तो आप ऐसे ही वीडियोज आप पोस्ट कर सकते हो, Q&A पोस्ट कर सकते हो, यार मैं किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ, तो आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, अगर टेक चैनल है कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आपको अपने फैन से को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। देखो यार जो फैंस होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, वही होते हैं जिनकी वजह से एक इंसान बनता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कॉमेडी फील्ड में फैंस ही इंसान को बनाते हैं, और कोई नहीं होता कि इंसान खुद से बन जाए, मेहनत होती है इंसान की, लेकिन जो असली मेन रोल प्ले होता है वो फैंस का ही होता है। तो उनको कभी नंबर एज अ नंबर ट्रीट नहीं करना, उनको पूरा अटेंशन देना है, उनको जो चाहिए वो देना है। तो आप लगातार Q&A वीडियोस करते रहो। Q&A से क्या होता है यार, इससे इंटरेक्शन बढ़ता है कि यार मेरे ऑडियंस के दिमाग में क्या क्या है, तो मैं आंसर कुछ क्वेश्चंस पिक कर लूँ। सबके दिमाग में ऐसे होंगे क्योंकि क्या अर्निंग है आप भाई, आपकी अर्निंग क्या है, आप कैसे वीडियो एडिट करते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आपका चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा। और आप उनको कमेंट में हार्ट, तो हार्ट से क्या होता है, एक नोटिफिकेशन जाती है आपके ऑडियंस जिसने कमेंट करा है कि टेकमेट्स गेव यू अ हार्ट, तो बहुत अच्छा लगता है, ऑडियंस को एक अपनापन फील कराना है, क्योंकि आप एक फैमिली हो अगर आपका एक चैनल है यूट्यूब, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ज़रूर अपने ऑडियंस को सबसे मेन प्रायोरिटी देना है, आप कुछ भी काम कर रहे हो उनको एज अ नंबर ट्रीट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो ये तीसरी ट्रिक थी जो मुझे आपको बताना थी। अब चौथी ट्रिक है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है यार, जब तुम अपनी वीडियो बना रहे हो, जैसे शुरू है ये, शुरुआत में तुम बोलो कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे, तो अगर आप बीच में बोल सकते हो यही चीज़ या एंड में बोल सकते हो, इससे क्या होगा आप ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो अपना, और उनको बता रहे हो कि यार क्या करो। अगर तुम एज अ क्रिएटर बोलोगे तो लोग तुम्हारी ज़्यादा सुनेंगे, या तो आप शुरू में बोल लो या बीच में बोल लो या उसको एंड में बोल लो कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर देना। जैसे सेट टॉक बोलते हैं कि यार डिसलाइक ही कर दो, अगर पसंद नहीं आए तो, पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो ये आपको कॉल टू एक्शन वाली चीज़ें बताना है कि यार कैसे होती हैं, तो आप उनको बता दो नीचे कि यार नीचे सब्सक्राइब बटन है, लाल बत्ती दिख रही होगी, उसको क्लिक कर दो और घंटा दबा दो ताकि दिमाग की घंटी बज जाए जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ। तो इस तरह आप कर सकते हो कि यार आप बोल दो कि बेल आइकन को भी दबा देना सब्सक्राइब करके, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो दिमाग की घंटी बज जाए। तो इस तरह से आप चीज़ें कॉमेडी में भी कर सकते हो, सीरियसली भी कर सकते हो, लेकिन आपको आपके ऑडियंस को बोलना है कि यार आप वीडियो पे आ गए हो तो यार मेरा एक काम कर दो, तो उससे सामने वाले को हम्बल फील होगा कि आप हम्बल हो और वो सब्सक्राइब करके भी जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है चीज़। अब सबसे मेन बात आती है, पाँचवीं ट्रिक है, बहुत मैंने तो पाँचवीं मेन ट्रिक होती है, वो होती है यार कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की मतलब कि यार लगातार वीडियो डालना है, परसिवियरेंस, यानी कि यार जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जब इंसान कितनी वीडियोस डालता है, जब रिजल्ट मिल रहे हो, आप हज़ारों डॉलर कमा रहे हो वीडियो से, तो आप अगली वीडियो भी ज़रूर बनाओगे क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में क्या होता है क्रिएटर्स के साथ, वो आप जानते हो, वीडियोज़ डालते हैं हम, व्यूज़ नहीं आते, तो वही होता है असली क्रिएटर जो जब वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आए, जब तक डालता रहे कि जब तक आ ना जाए व्यूज़, तो यही होता है कंसिस्टेंसी। तो अब स्नोबॉल इफेक्ट आपने सुना होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो बॉल लेके, तो आपको बहुत टाइम लगेगा पहाड़ पे चढ़ने में, तो आप वही समझो कि जब आप नए क्रिएटर हो तो आपके पहाड़ पे चढ़ने की स्टेज है, आप बॉल लेके जा रहे हो, जान लग रही है, थोड़ा थोड़ा चल रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे, इस तरह से रिलेट करते हुए जाओ उसको। लेकिन जब आप पहाड़ के नीचे आओगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे शुरू के 2 साल में 1 मिलियन व्यूज़ आए टोटल अपने चैनल से, लेकिन जब तुम्हारा चैनल हिट होगा वही 1 मिलियन व्यूज़ तुम एक वीडियो से लेकर आ जाओगे। सबसे बड़ी बात यूट्यूब में है, यूट्यूब का अल्टीमेट सक्सेस वो, तो यूट्यूब की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कंसिस्टेंसी, क्योंकि यूट्यूब जो है एक लॉन्ग टर्म गेम है, उसको शॉर्ट टर्म मत समझो। कुछ चैनल होंगे जो 2 साल में भी हिट हो जाएंगे, कुछ चैनल्स होंगे
जो आप 5 साल में भी हिट होंगे लेकिन होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, मेहनत करते रहना है। सबसे बड़ी बात जो बहुत बड़े क्रिएटर्स ने भी कही है, भुवन बाम ने भी कही है, जो बीबी के वाइंस के क्रिएटर हैं, कि यार तुम वीडियोस बनाते रहो, तुम्हारी ऑडियंस कहीं छुपी बैठी है वहाँ पर इंतजार कर रही है, तो तुम्हें जब तक वीडियो बनाना है कि यार तुम्हारी वीडियो पहुँच ना जाए वहाँ तक, जब तक वीडियोज़ बनाते रहो कि वो पहुँच जाए। तो यूट्यूब का एज अ कैरियर करना है, इसको पढ़ाई के बीच में लाना है कि यार मैं तो यूट्यूब बन जाऊँ बन जाऊँगा, मैं तो यूट्यूबर बन जाऊंगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं, पढ़ाई भी करना है, मैं एजुकेशन भी हासिल करना है, इसको एज अ साइड जॉब करना है। अगर आपके पास इतना पैसा आप कमा लोगे यूट्यूब से, तो आप पढ़ाई छोड़ देना, वो आपकी मर्ज़ी होगी, मैं कुछ नहीं कह रहा उसमें। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है, आपको उसी दिन वीडियो अपलोड करना है जिस दिन का आपने ऑडियंस से बोला, क्योंकि यार वो इंतज़ार कर रहे होंगे, और उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है, और बस उनको एज अ फैमिली ट्रीट करना है, एज अ नंबर ट्रीट नहीं करना। तो आप इस ज़रूर इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, पहाड़ वाले एग्जाम्पल को, कि यार शुरू में जाना तो मुश्किल होता है लेकिन वापस आने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को यार दोस्तों के साथ जो आपके नए क्रिएटर्स हैं उनके साथ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय, और यार लाइक कर देना।